भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा भागलपुर नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, उप महापौर और महापौर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित लोग और उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। समर्थक लगातार नए महापौर, उप महापौर और पार्षदों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए शपथ ग्रहण कर बाहर निकलने पर उन्हें फूल माला और बूके देकर स्वागत करते दिखे। भागलपुर नगर निगम की जनता के द्वारा सीधे चुनी गई पहली महापौर बनने के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य भागलपुर का चौमुखी विकास करना है, साथ ही स्मार्ट सिटी भागलपुर और स्मार्ट बने इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम करने की भी बात महापौर ने कही। मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे जितने टीम हैं, उपमुख्य पार्षद हैं सलाउद्दीन साहब जी और जितने भी पार्षद हैं, सब लोगों से हम मिले और सब लोग इतने खुश हैं, इतने तत्पर हैं भागलपुर शहर को कुछ देने के लिए कि हम मैं क्या बताऊं। और हम लोग सब लोग मिल के और इस शहर का विकास कर, पहले की बात तो मैं नहीं करूंगी, मैं अभी की बात करूंगी। हम लोग सब लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं और समझेंगे और सब लोग मिल के एक दूसरे का सुझाव लेके बेहतर से बेहतर क्या होगा उस पर कार्यान्वयन करेंगे। वही डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन ने एकता और सौहार्द बनाते हुए भागलपुर स्मार्ट सिटी के सर्वांगीण विकास की बात कही। ये है कि मैं इस शहर को जिस जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, उस शहर को बेहतर से बेहतर बनाना, यही मेरी। सामंजस्य कितना आसानी से बैठा पाएंगे? इसलिए आसानी से बैठाएंगे कि पिछले जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता था वो पार्षद के द्वारा होता था, और इस बार भागलपुर की जनता ने चुनकर भेजा है। जो खदसा हर साल नो कॉन्फिडेंस का रहता था वो सारा समाप्त हो चुका, तो ये सारी समस्याएँ स्वतः सरकार के द्वारा दूर कर दी गई हैं, इसलिए हमें ऐसी उम्मीद है। और सब हम लोग पॉजिटिव भावना से जीत के आए हैं, ये 51 पार्षद हो या मेयर या डिप्टी मेयर, इस शहर की तरक्की के लिए आए हैं और इस तरक्की के काम में हम समझते हैं कि कोई भी बाधा डालना नहीं। प्राथमिकता क्या रहेगी? इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट का नजर भी आना चाहिए, न सिर्फ शहर नजर आए बल्कि हम जनता भी स्मार्ट बनने। वहीं पहली बार निर्वाचित हुए सबसे कम उम्र के युवा पार्षद सांदिल नंदिकेश ने कहा कि लगातार 5 वर्षों तक समाज का सेवा करने का उसे फल मिला है। अब जब उसे समाज ने जिम्मेवारी सौंप दी है और वो पद पर आ गए हैं तो अब इतना काम कर दें कि भागलपुर में सबसे बेहतर वार्ड उन्हीं का होगा। बस अब मौका मिल गया, जनता की सेवा करने का सर्टिफिकेट भी मिल गया और फल भी ले लिया है। अब तक तो मन से काम कर रहे थे लेकिन अब शौक नहीं है, अब ये जरूरत भी है हमारा। अब प्रण लिया है तो जनता की सेवा आजीवन करते रहेंगे। ये बस 5 साल का प्रण नहीं है, ना उम्र का प्रण है, तो हमने आज लिया और जनता की सेवा निरंतर और हमेशा करते रहे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का चुनाव जनता ने सीधे किया है, इसलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत ही सीमित समय में संपन्न हो गया। आज ही भागलपुर नगर निगम के अलावे सुल्तानगंज, नौगछिया नगर परिषद, अकबर नगर, हबीबपुर, सबौर, कहलगांव नगर पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षदों को शपथ दिलाई गई। क्रम था, पहले जब चुनाव होता था तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी, लेकिन आप लोग सब लोग अवगत हैं कि पहली बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर का पद जो है वो सीधा निर्वाचन से जो है वो चुन करके सभी जितने भी नगर निकाय हैं, जहां मुख्य पार्षद हों या नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर पालिका में जो मेयर डिप्टी मेयर होते हैं और जितने भी सदस्य हैं, तो सभी लोगों को शपथ कराया गया और शांतिपूर्ण माहौल में सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अन्य जो नगर निकाय हैं वहाँ पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्राधिकृत किया गया है और वहाँ भी संभवतः अभी हो गया होगा या अगले आधे घंटे में शपथ ग्रहण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की दूसरी बैठक शुक्रवार को कुलपति आवास पर आयोजित की गई। सिंडिकेट की बैठक के हंगामेदार रहने की संभावना के चलते यह सिंडिकेट भवन में ना होकर कुलपति के आवास पर किया गया। दूसरी ओर सिंडिकेट की बैठक के बाहर विभिन्न छात्र संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी आंदोलन करते दिखे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र जनता दल, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के दर्जनों छात्र नेता उपस्थित थे। सिंडिकेट की बैठक में 7 डिग्री कॉलेज और 7 बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने का
का मुद्दा गर्म रहा। वहीं 93 कर्मियों को हटाने का मुद्दा भी सिंडिकेट की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। संविदा कर्मियों के बकाये पेंशन, लंबित राशि के भुगतान आदि मुद्दों पर भी वार्ता हुई। दूसरी तरफ TNB कॉलेज की वरीयता के आधार पर प्रोफेसर अर्चना को प्रभारी प्राचार्य बनाने, पूर्व प्राचार्य के पूरे कार्यकाल की जाँच कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र राजद ने बैठक का विरोध भी किया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से घंटों बकचक होते दिखी गई स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बढ़ने लगी। स्थिति को संभालने के लिए DSP को कुलपति आवास पहुंचना पड़ा, फिर जाकर मामला सुलझा। यह मामला तब शुरू हुआ जब कुलपति छात्रों से नहीं मिले और छात्र कुलपति आवास के गेट को फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। गौरतलब हो कि जिन शहीद तिलकामांझी के नाम से विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है, आज शहीद तिलकामांझी का शहादत दिवस है, लेकिन विश्वविद्यालय कुलपति के साथ साथ सभी अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं थी कि वीर शहीद तिलकामांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया जाए। कि जहां पैसे का खेल चल रहा है, जहां सिंडिकेट चल रहा है, वहां आज तिलकामांझी को भुला दिया गया। आज जहां उनके शहादत दिवस पर पहले होना चाहिए विश्वविद्यालय बैठक में शामिल होना चाहिए, पहला चीज कि उनके शहादत दिवस पर पहले उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस बैठक की शुरुआत होती तो आज इस बैठक का रौनक ही कुछ और होता। लेकिन इनको उनका कहाँ चिंता है, इनका खजाना कैसे बढ़े, इनका कैसे जो है अपना पेट चले, अपना जेब चले, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इनको किसी महापुरुष से आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आए। कई छात्र हितों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ और सिर्फ निपा पोती करके बैठक की शुरुआत की गई है। इस बैठक का पूर्ण रूप से विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। हम लोग आज तमाम सिंडिकेट का जो मेंबर है, विश्वविद्यालय अधिकारी है, तमाम कुछ 11 सूत्री मांग हम लोग दिए हैं। 11 सूत्री मांग में है जो TNB कॉलेज का मामला, अभी कन्या शिक्षक को प्रभार दिया गया है, बरियक को दरकिनार का, वो मामला चल रहा है। उसके बाद जो पूर्व में काफ़ी घोटाला हुआ है उसका उस स्तरीय जाँच होना चाहिए। संजय चौधरी जो पूर्व प्रचार थे TNB कॉलेज में, उसके कार्यकाल का जाँच होनी चाहिए। जो एंशियंट हिस्ट्री है, पुरातत्व विभाग है, 3 मंथ से HOD ने उसमें अविलंब स्थायी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति हो। और छात्रावास में जो भी समस्या है, चाहे छत जर्जर हो, पानी की समस्या हो या अन्य सुविधा हो, तमाम सुविधा देना होगा। और जो हॉस्पिटल है विश्वविद्यालय का, उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एक्सरे मशीन बंद पड़ा हुआ है, अविलंब उसको चालू किया जाए। अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है तो सीनेट की बैठक होने वाली है, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। हाँ, आज कल हम लोग से प्रोक्टर से वार्ता हुई थी कि आपको सिंडिकेट बैठक होने से पहले आप लोग भी वार्ता करवा देंगे, जो भी मांग होगा आप लेके आइएगा। तो हमारा 31 सूत्रीय मांग है, जो पहला मांग है Part 1 प्रमोटेड को Part 3 में फॉर्म भरने दिया जाए, और स्नातक Part 1 Part 2 Part 3 का जो स्पेशल एग्जाम 2017 में लिया गया था उसकी मान्यता नहीं मिली है, उसका मार्कशीट फंसा हुआ है, तो वो उसका दिया जाए। और अब 2012 से अभी तक का तीसरा मांग है कि स्पेशल एग्जाम लिया जाए। चौथा मांग है पैट रिजल्ट में जो हुई है धांधली, उस पर विजिलेंस जांच करा के दोषी अधिकारी पे कार्रवाई किया जाए। छठा मांग है कि परीक्षा समय पर नियमित हो और समय पर कक्षा हो, सत्र नियमित हो, और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग है। ये हमारे 31 सूत्रीय मांग है जो कि विश्वविद्यालय कुलपति को दिए, मांगों के लेकर बोले कि इस पे हम काम करेंगे, इस पे आप कुछ समय दीजिए, हमको काम करेंगे। अगर हम लोग आज दिए हैं 31 तारीख तक में, अगर विश्वविद्यालय पर 37 तारीख तक में अगर नहीं पूरा करती है तो सीनेट का जब बैठक होने वाला है उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम लेकर के सीनेट के सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितता जो भी अभिभूत इकाई द्वारा तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की गई है, जिसमें प्रिंसिपल की नियुक्ति, कॉपी घोटाला एवं अन्य शामिल है, इनकी स्वतंत्र इकाई बना करके जांच की मांग विद्यार्थी परिषद करता है। साथ ही जितने भी छात्रावास हैं उन सभी की सुरक्षा, बाउंड्री वाल देना तथा उनकी मरम्मत की मांग विद्यार्थी परिषद कर रही है। इसके साथ जितने भी वोकेशनल कोर्स है उनके लिए स्वतंत्र बिल्डिंग की मांग एवं सभी कॉलेजों में कैंटीन की व्यवस्था की मांग विद्यार्थी परिषद कर रही है। हम सभी अपना 10 सूत्रीय मांग पत्र लेकर के अभी VC जी को सौंपने जा रहे हैं, और अगर यह मांग हमारी स्वीकार नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी।
भागलपुर में ठंड के बीच लगातार लोग जरूरतमंदों और असहायों के बीच कंबल और गर्म कपड़े का वितरण कर रहे हैं। आज साउथ फिल्म अभिनेत्री भागलपुर निवासी संचिता बसु ने अपने परिवार के साथ वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया। बुजुर्गों में इसको लेकर काफी उत्साह देखा गया। संचिता बसु ने बताया कि इन लोगों के साथ एक पारिवारिक माहौल लगा। जिस तरह माँ पापा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। आज मम्मा के साथ हम लोग सब ने सबको ब्लैंकेट हम लोग ने बांटा, क्योंकि ठंड बहुत है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कभी पहले नहीं आए थे, पहली बार आए हैं और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सब बहुत स्वीट है, जिस तरह वो लोग बात करते हैं और जिस तरह यहाँ पे सब रह रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा सबसे। हाँ, ऑफकोर्स फैमिली जैसी फीलिंग आती है। मेरे नाना नानी नहीं है बट दादा दादी हैं, पर बहुत दूर रहते हैं, और यहाँ जब आए तो एकदम नाना नानी दादा दादी जैसा ही फीलिंग सबसे मिलके लगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से लेके अभी तक मम्मी पापा हम लोग का जिम्मेदारी उठाते हैं, और जब उन लोग का बारी आता है तो हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, और हम लोग को भी अपने मम्मी पापा का साथ देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी मूवी है जो हम लोग को सिखाती है, बागवान हुआ, अच्छे से हम लोग देख के समझ सकते हैं कैसे हम लोग अपने मम्मी पापा को ट्रीट करते हैं और कैसे करना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लगातार तीसरे दिन जीवन बचाने के अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किया गया। आज CPR यानी हृदय और सांस को जागृत करने की विधि सिखाने का कार्यक्रम पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों के बीच किया गया। तड़के सुबह 8 बजे जीवन जागृति सोसाइटी की टीम वहां पहुंची और वहां मौजूद करीब 150 पुलिस जवानों के बीच डमी पुतले पर CPR करके उन्हें CPR सिखाया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि चाहे किसी को घर या ऑफिस में हार्ट अटैक हो, या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो, या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद की स्थिति हो, यदि वो अचेत है और लगता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही एवं धड़कन यानी पल्स नहीं चल रहा है, तो उसके छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचले हड्डी से 2 अंगुली की चौड़ाई के ऊपर दोनों निपल के बीच 1 मिनट में 100 की रफ्तार से 25 बार छाती 2-3 इंच तक दबाना होता है, और फिर 2 बार मुंह में सांस देना है। यह प्रक्रिया 10 मिनट तक करना है। इस बीच एम्बुलेंस और पुलिस को फोन लगाकर अस्पताल पहुंचाना है। इस से कोई भी आम व्यक्ति मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। इस दौरान जवानों को इसकी प्रैक्टिस भी कराई गई। इस कार्यक्रम में यातायात DSP प्रकाश कुमार, सार्जेंट मेजर KK शर्मा उपस्थित थे। DSP प्रकाश कुमार ने भी इसकी उपयोगिता के बारे में बताया और जीवन जागृति को इसके लिए धन्यवाद दिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, 3रा दिन है, और हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नया प्रोग्राम कर रहे हैं। कभी हेलमेट का अभियान चलाते हैं तो कभी सीट बेल्ट का, और आज हम लोगों ने ये CPR ट्रेनिंग दिलवाया है सभी जवानों को जो लाइन में रहते हैं और भी बाहर में रहते हैं, सबको बुला के दिलाया। इसमें CPR ट्रेनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि जब किसी आदमी की सांस रुक जाता है या धड़कने रुक जाती है और सर्कुलेशन वगैरह रुक जाता है, तो उस समय CPR दिया जाता है। उसका एक खास तरीका होता है, और उस तरीका को इन लोगों ने एक सोसाइटी के सौजन्य से बहुत अच्छे से सिखाया जो जरूरत के समय लोगों का जान बचा सकता है। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR का कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया, और सुबह सुबह इसमें काफ़ी पुलिस बल संख्या में थे। हम लोग लगातार CPR पर कार्यक्रम कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह का यह 3रा दिन 3रा कार्यक्रम है, और इसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह से यदि कोई आदमी सड़क दुर्घटना में या डूबने से आप बाहर निकालते हैं, या घर में हार्ट अटैक के दौरान बेहोश हो जाता है और उसका सांस रुकने लगता है और धड़कन थमने लगती है, उस स्थिति में आप किस तरह से उसको करें कि बिना डॉक्टर होते हुए भी आप जान बचा सकते हैं। और इसमें 30-40% ऐसे लोगों का जान बच सकता है जिसको नहीं बचना था। तो ऐसे में आप छाती पर हाथ रखकर उसको इंटरलॉक करके यदि 1 मिनट में 100 की रफ्तार से उसको दबाते हैं और 2 बार फिर सांस देते हैं, इस तरह से आप लगातार करते हैं तो उसकी जान बच सकती है और इस बीच उसको अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। तो ये CPR विधि का हम लोग ने आज पुलिस लाइन में किया, और इसको हम लोग जगह जगह करा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस लाइन में जो DSP साहब थे और सर्जन मेजर साहब को कि उन्होंने इसको। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा लगातार जिले के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान SSP पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से अवगत हुए। SSP ने थाना परिसर का निरीक्षण किया, साथ में थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया।
एसएसपी ने थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। एसपी ने कहा कि क्षेत्र में क्या क्या अपराध है इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जो सामने रखकर अपराध करते हैं उसका पोषण करते हैं उसकी भी सूची बनाई जा रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण के लिए नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी करने का सख्त निर्देश दिया गया तथा अपराध नियंत्रण के लिए क्षेत्र में गश्ती तेज करने का निर्देश भी दिया। न्यायालय से जुड़े मामले के त्वरित निष्पादन करने, अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया। एसपी ने समय से गश्ती और वाहन चेकिंग करने का भी आदेश दिया। मौके पर कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह भी मौजूद थे। कई सारे ग्रुप हैं जो आपस में लड़ेंगे, तो उनके विषय में भी हम लोग सूची बना रहे हैं और जो फ्रंट पर रह के अपराध करते हैं या उनका जो पोषण करते हैं उनको संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों की भी सूची बन रही है और सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी, सब पे कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 जनवरी को सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसको लेकर कई जिला के अध्यक्ष पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया करवा रहे हैं। गौरतलब है कि 13 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख सुनिश्चित की गई थी। वहीं भागलपुर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 तारीख को सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसको लेकर कई जिला के अध्यक्ष पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया करवा रहे हैं। बताते चले कि 13 जनवरी को नामांकन की आखिरी तिथि है और 14 जनवरी को नाम वापसी कर सकते हैं। 16 जनवरी को चुनाव होगा, के बाद सभी मतदाता मतदान करेंगे और सभी चयनित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सुनिश्चित कर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं मतदाता कर्मी ने बताया कि अगर गिनती बाहर होती है तो 17 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा, नहीं तो 16 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वो 14 जनवरी तक नाम वापसी कर सकते हैं। 16 जनवरी को चुनाव होगा, जिसमें सभी मतदाता मतदान करेंगे और सभी चयनित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सुनिश्चित कर देंगे। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव निर्धारित है, जिसका आज हम लोग नामांकन करने आए हैं। 13 तारीख का नामांकन है, 16 तारीख का चुनाव होगा और 17 को या तो 16 के रात में, अगर बक्सा बाहर से आ गया तो 16 के रात में कराएंगे गिनती या तो 17 के सवेरे कराया जाएगा। मतलब रिजल्ट 17 तारीख को? हाँ, 17 को होगा। अभी तक में कितने लोगों ने आया नामांकन? अभी 2 टाई शीट से आए हैं लोग, अध्यक्ष पद, एक निर्दलीय अध्यक्ष पद से है, एक उपाध्यक्ष पद से निर्दलीय है। नाम वापसी का कब? नाम कल होगा, 10 बजे 2 बजे तक। कितने मतदाता?